श्रीमद् भगवद गीता द्वादशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन बोले जो अनंत प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले मुझे मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रूप रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष हैं, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनंत भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु हैं तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम उक्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ पे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित हैं, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का
त्यागी हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय हैं। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम हैं तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम हैं और आसक्ति से रहित हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट हैं और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हैं, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय हैं। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः।